भिलाई के शंकराचार्य कॉलेज में 5 दिवसीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में प्रदेश भर से सैकड़ों प्रतिभागी हिस्सा लेने पहुंचे हैं। प्रतियोगिता में अंडर 11 और अंडर 13 के बच्चे भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता को लेकर बच्चों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। प्रतियोगिता के चौथे दिन शनिवार को मैच के दौरान माता पिता बच्चों का प्रोत्साहन करते नजर आए। टूर्नामेंट के बारे में जानकारी देते हुए खिलाड़ियों के पालकों एवं आयोजकों ने मीडिया को प्रतियोगिता के बारे में बताया। टूर्नामेंट का आयोजन बहुत ही अच्छे ढंग से किया गया है। यहाँ हर चीज़ की व्यवस्था की गई है, बच्चों को भी ध्यान में रखा गया है, इवन मैनेजमेंट ने पेरेंट्स का भी ध्यान रखा है कि छोटे बच्चों का टूर्नामेंट है तो पेरेंट्स तो आएंगे ही आएंगे, तो उसको भी उन्होंने बड़े अच्छे से ध्यान रखा है और काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट किया है। कहाँ से कितने बच्चे आए हैं? मैं बिलासपुर से हूँ और बिलासपुर से 13 से 14 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, लड़के लड़कियाँ मिला करके। अच्छे से खेला जा रहा है। अभी आज फर्स्ट हाफ में क्वार्टर फाइनल्स हैं जिसमें लगभग 40 मैचेस होंगे, उसके बाद सेकंड हाफ में सेमीफाइनल्स हो जाएंगे। और मोस्टली कुछ बच्चे रायपुर से हैं, दुर्ग से बहुत सारे बच्चे, और बिलासपुर से हैं, ऐसे हर जगह से डिस्ट्रिक्ट से अच्छे अच्छे बच्चे निकल रहे हैं। जैसा कोविड के बाद देखा जा रहा है, बच्चों में बहुत ज़्यादा अच्छे से खेल रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उसके हिसाब से तो बहुत अच्छा जोश मिल रहा है बच्चों को देखने में। अपना परिचय? मैं नरेंद्र कुमार पटेल हूँ। अरेंजमेंट तो बहुत अच्छा है, बच्चों को भी कंफर्टेबल लग रहा है यहाँ पे, और खाने पीने का भी अरेंजमेंट अच्छा है, बच्चे इंजॉय कर रहे हैं मैचेस के साथ अपना। और बच्चे तो यहाँ रायपुर से 40-45 बच्चे हैं मतलब, और जो बहुत सारे बच्चे आगे भी बढ़े हैं, आज क्वार्टर फाइनल्स में भी बच्चे पहुँच गए हैं, आगे सेमीफाइनल्स चल ही रहे हैं, मतलब सेमीफाइनल्स के लिए मैचेस चल रहे हैं।